दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं 1000 प्लस क्वेश्चन सीरीज। ठीक है दोस्तों, आज जो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना कब की गई? तो 1872 में भारत की पहली जनगणना हुई, उस समय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई। किसके अधीन हुई? तो लॉर्ड मेयो के अधीन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना कब से शुरू होगी? तो 1881 से भारत में कंटिन्यू प्रत्येक 10 वर्ष में, यानी 1881 बाद 1891 में, ऐसे हर साल कंटिन्यू 10 वर्ष में हुई। ठीक है, कितने 10 वर्षों में? कब? उस समय लॉर्ड डिपन के समय में। किसके समय पर? लॉर्ड डिपन के समय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लाउडेन। कौन थे? WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के पुरुष स्त्री साक्षरता दर में अंतर कितना था? 20.08। कितना था? 20.08 उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिला में साक्षरता अनुपात का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि किस दशक में? 1991 और 2001 के बीच, ये 10 वर्षों में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किन जंगलों को पृथ्वी ग्रह के फेफड़ा कहते हैं? पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा किन जंगलों को? तो अमेजन वर्षा वनों के जंगल को। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया? तो बिंदुसार के शासन काल में डायमेकस भारत आया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी बीमारी को किस अधिनियम के तहत राज्यों के द्वारा महामारी? यहाँ पर राज्यों का मतलब केंद्र शासित राज्य और राज्य जिनको पूर्ण दर्जा सब आएंगे। ठीक है, महामारी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो अधिनियम, महामारी रोग अधिनियम 1897 के धारा 2 के तहत, 1897 धारा 2 के तहत। ठीक है, और इसको राज्य कौन सा, पहला राज्य कौन बना? अभी कर्नाटका बना। अच्छा, रीजन अभी COVID-19 बहुत चर्चा में, यानी कोरोना वायरस बहुत चर्चा में। आप कोरोना वायरस से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको एक शीट लेके आऊंगा, उसमें कंफर्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाले हर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुपोषित माँ अभियान कहाँ से शुरू किया गया? सुपोषित माँ अभियान राजस्थान से शुरू किया गया। ठीक है, उसको दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में हड्डी को हड्डी से कौन सा ऊतक जोड़ता है? तो लिंगामेंट, लिंगामेंट हमारे शरीर को हड्डी से हड्डी जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, शरीर का कौन सा अंग चारों ऊतकों को मिलकर बना होता है? हृदय जो है, हार्ट है, वो चारों ऊतकों से मिलकर बने होता है। भारत का वह पहला कलाकार जिसके नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया? पंडित जसराज, पंडित जसराज के नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से कुल वर्षा कितने प्रतिशत होती है? 3% कुल वर्षा होती है। कब? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से। अभी जो हाल ही में वर्षा हुई, किस ऋतु से? पश्चिमी विक्षोभ से हुई, शीत ऋतु में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन है, गिरजन शब्द का प्रयोग किस जाति के लिए होता था? तो अनुसूचित जाति के लिए। गांधी जी द्वारा इसी को हरिजन कहा गया, गांधी जी के द्वारा इसी को हरिजन कहा गया। ठीक है, और इसका संविधान में 341 आर्टिकल में लिखित है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब सदन में चर्चा के दौरान अधिक शोर शराबा होता है तो उसे क्या कहते हैं? फिलीबस्टर। क्या कहते हैं? फिलीबस्टर कहते हैं। ठीक है, जब अधिक शोर शराबा होता है चर्चा के दौरान। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता अभियान यानी CVC के अध्यक्ष कौन होता? PM होते हैं इसमें, और गृह मंत्री जी होते हैं, और विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, उसके बाद ये 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गेरवा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी गेरवा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? 86 संविधान संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो 371 के तहत। इसके तहत 371 के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ली कमीशन के द्वारा 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाड़िन के अनुसार वेद रूपी शरीर में मुख का अर्थ क्या है? वेद रूपी शरीर में मुख का अर्थ है व्याकरण, और नेत्र जो था, नेत्र क्या था? ज्योतिषी, जो नेत्र था वो ज्योतिषी था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद है। इसमें क्या, किसके बारे में बताया गया? इसमें संगीत कला के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, राजा सुदास किस वंश के थे? तो राजा सुदास भारत वंश के थे, जिसने दशराग युद्ध लड़े थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन, अच्छा दशराग युद्ध मैं बताता हूँ किस नदी किनारे होना, तो पर्वतमी नदी किनारे, मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गाय उल्लेख कितनी बार आया? तो ऋग्वेद में गाय माता का उल्लेख 176 बार आया। कितनी बार? 176 बार गाय माता का उल्लेख, माँ का उल्लेख हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मरुत को किस देवता के रूप में जानते हैं? तो मरुत को आंधी के देवता के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान किससे नहीं थी? ऋग्वैदिक कालीन आर्यों की पहचान शिव भगवान से नहीं थी, यानी भगवान शिव से नहीं थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते थे? स्कंद देवता से साम्य रखते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काशी महाजनपद किसके लिए प्रसिद्ध था? तो काशी महाजनपद सूती एवं रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। उसके दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? नंद राज्य का संस्थापक महापद्मानंद था। कौन था? महापद्मानंद। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ईश्वर रूपी रूप में पूजने वाले बौद्ध संप्रदाय कौन है? तो महायान बुद्ध को ईश्वर रूपी हीन यान, इसको एक महान व्यक्ति के नाम से पूछते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? भगवान रूपी, तो यानी कि महायान, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जैन का आगम ग्रंथ कहाँ संकलित हुआ? जैन का आगम ग्रंथ वल्लभी में संकलित हुआ। दोस्तों ये हुआ 1000+ क्वेश्चन सीरीज। चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों, बाय, जय हिंद दोस्तों।